तो हेलो जी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है जी आपका मेरे चैनल पे। तो यार देखो, साउथ के लोग जो होते हैं वो हमेशा से इंडियन सिनेमा को एक नई चीज़ हमेशा देते हैं, चाहे फिर वो बाहुबली जैसी मूवी हो, चाहे फिर वो KGF जैसी हो, चाहे RRR जैसी हो। हमेशा से ये लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, और कैप्टन मिलर मूवी के साथ भी यही वाला सीन है। इस मूवी में हमको एक बहुत ही डेंस कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है जो रिवोल्ट पर आ चुका है। उसी के साथ साथ इस मूवी में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश इन्वेडर्स थे, उनका एक काला सच भी और उनका एक काला चेहरा भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हॉलीवुड की तरह नहीं, जो केवल हॉलीवुड मूवीज को कॉपी करते हैं, जैसे कि अभी मूवी आने वाली है फाइटर, आपको पता भी होगा इस बारे में। जहाँ पर बॉलीवुड केवल कॉपी करता है, वहाँ दूसरी तरफ साउथ इंडियन मूवीज जो होती हैं हमेशा से ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस देती हैं। बात की जाए इस मूवी की, तो भाई इस मूवी में यार हमको, अगर आपने सिसु मूवी देखी है तो इस मूवी में हमको वो वाली वाइब्स मिलने वाली हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उस मूवी में भी फालतू के डायलॉग नहीं है, इस मूवी में भी फालतू के डायलॉग नहीं है। ट्रेलर में जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ट्रेलर के अंदर बहुत कम डायलॉग है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई बहुत तगड़ा म्यूजिक, कोई एंट्री, ऐसी कोई चीज नहीं है। केवल और केवल हमको एक्शन और ग्राफिक वॉयलेंस देखने को मिलने वाला है, और उस पूरे ग्राफिक वॉयलेंस के पीछे हमको एक लॉजिकल और एक डेंस स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है केवल एक्शन है और ग्राफिक वॉयलेंस है, उसके पीछे एक तगड़ी स्टोरी लाइन भी है। जो भी इस मूवी में हो रहा है, जो भी वॉयलेंस इस मूवी में हो रहा है, उसके पीछे स्टोरी होने वाली है। मूवी की जो मेन स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है ब्रिटिश इन्वेडर्स के बारे में, उनके जो अत्याचार थे इंडिया के लोगों पर, उसके बारे में ये मूवी होने वाली है। भाई मुझे उस जो मूवी की सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी है कि ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि इस मूवी में कोई भी बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं किया गया है। बहुत सिंपल तरीके से जो स्टोरी है इसको बताया गया है। ऐसा नहीं है कि मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होने वाला है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ जो एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, बिल्डअप दिया जाता है, जैसा कि सालार में दिया गया है, ऐसा कुछ इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन आपको देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। भाई जहां तक बात रही ग्राफिक वॉयलेंस की, तो भाई ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि मूवी में बहुत तगड़ा ग्राफिक वॉयलेंस होने वाला है। ग्राफिक वॉयलेंस को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, जहां जरूरत है वहां पर ग्राफिक वॉयलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। खून, मारकाट सब कुछ है इस मूवी के अंदर, बंदूक भी है, तलवार भी है, कुल्हाड़ी भी है, मतलब पूरा एक्शन पैकेज है इसके अंदर। मूवी के अंदर हमको कुछ कल्चरल ग्लिम्प्स भी देखने को मिलती है, जहां पर ये कुछ मंदिरों को, टेम्पल्स को भी प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मूवी का मेन कैरेक्टर है, इसकी कुछ डिमांड भी है। मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक ब्रोकन कैरेक्टर है, वो टूट चुका है पूरी तरह से, और उसके चेहरे पर आपको कोई भी एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। ये वही वाली बात है कि जब एक टाइम आता है जब ना आपको कोई जोक अच्छा लगता है, ना आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा दुखी करती है, ना आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, आप केवल एक ब्लैंक फेस के साथ एक डेस्परेट सिचुएशन में होते हो, उसी टाइप का ये कुछ कैरेक्टर है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है इस मूवी में, बाकी भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ उस मूवी को देखने के लिए। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस तरह के मूवी रिव्यूज़ और ट्रेलर रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।